Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friends, Mahamar Ansari, आप सभी लोगों का इस हफ्ते की पहली फिल्म यानी कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के फुल रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? कुछ चीजें हैं जो आपको रिव्यू शुरू करने से पहले बोलना चाहता हूँ एंड कुछ चीजें हैं जो आपको इस फिल्म देखने से पहले जो है वो यहाँ पर सुनने की जरूरत है। सबसे पहले तो गाइज, ये एक अडल्ट सर्टिफिकेट फिल्म है, यानी कि जिन लोगों को गायों से आपत्ति है, बहुत ज्यादा खून खराबा देखने से आपत्ति है, कृपया करके फिल्म देखने के लिए नहीं जाइए। तो गाइज, अगर ये फिल्म ए सर्टिफिकेट है तो भैया ये रिव्यू भी ए सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि गाइज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेजियस्ट डबिंग्स आई हैव सीन फॉर एनी हॉलीवुड फिल्म। इसकी डबिंग इसकी सबसे बड़ी मजबूती है, जिस तरह के गाइस गालियों का प्रयोग एंड जिस तरह के रेफरेंसेस यूज किए गए हैं इस फिल्म में, नाउ कैन यू बिलीव इट, इंसान की शरीर में 206 हड्डियां होती है और 207 तब होती है जब बाजू वाली अपने पल्लू गिराए। ऐसे डायलॉग्स ने थिएटर को पूरा का पूरा तालियों और सीटियों से जो है वो भर दिया था। 8 AM इन द मॉर्निंग द कॉलेज किड्स वर गोइंग कंप्लीटली क्रेजी। लिटरली बहुत सालों के बाद सिक्योरिटी गार्ड जो है आईडी कार्ड मांगना जो है यहाँ पर शुरू कर दिया है, क्योंकि गाइस ही रहा था मुंह से कि जो लोग अंदर जा रहे थे 18 वर्ष के नीचे थे। तो भाई हमने भी पूछा, हमारा आईडी कार्ड देखेंगे क्या भाई? तो बोलते सर आप मजाक क्यों कर रहे हो, सर आपको आईडी कार्ड की क्या जरूरत है, अंदर जाइए ना। तो गाइस डेडपूल एंड वुल्वरीन इज वन फिल्म जहां पर खूब पेट भर के खून दिखाया गया है, खूब पेट भर के गालियां दी गई है एंड गाइस ये एक प्रॉपर फिल्म जो है बनके हमारे सामने आती है। नंबर वन, अगर आपने इससे पहले एक्समैन की कोई भी फिल्म नहीं देखी, अगर आपको पता नहीं है कि वुल्वरीन कौन है, लोगन क्या है, लोकी सीरीज है वो फॉलो नहीं की है, टाइमलाइंस के बारे में नहीं मालूम, कुछ भी इन चीजों के बारे में जो है नहीं मालूम, डेडपूल की एक भी फिल्म इससे पहले नहीं देखी है, फैंटास्टिक फोर क्या होते हैं ये नहीं मालूम, मार्वल किस चिड़िया का नाम है, एवेंजर्स क्या है, ये सब नहीं देखा है एंड जाकर सीधा इस फिल्म में बैठ जाओगे तो भैया आपका तो धक्का उड़ जाएगा दिमाग का, कुछ भी समझेगा नहीं। ये सारी की सारी चीजें देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फिल्म में जो कैमियोज डाले हैं एंड लिटरली जो फिल्म खत्म होती है ना एंड जो फर्स्ट एक्समैन था वहां से लेकर जितनी यादें इन लोग बिहाइंड द सीन्स में दिखाते हैं, लिटरली आई कुड सी माई चाइल्डहुड, आई कुड सी माई सेल्फ एज अ किड कमिंग फॉर दीज मूवीज ऑन द बिग स्क्रीन एंड आज जब मैं अपने आप को मैंने देखा आई वॉज लाइक डूड पूरी जिंदगी बीत गई। दिस इज वॉट दिस फिल्म डज टू यू, इट्स अ टोटल इमोशनल क्रैकर जैकर, लिटरली बोल रहा हूँ। इसके टाइम लाइन, जिस तरह के कैरेक्टर्स जो आते जाते हैं इस फिल्म में, जिस तरह के रेफरेंसेज यूज किए गए हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से फिल्म जो है आपके सामने आती है। बट वॉट एक्साइटेड मी द मोस्ट इज द एक्शन सीक्वेंसेज, एक्शन सीक्वेंसेज टॉप नॉच है। आई मीन द इंट्रोडक्शन सीन है जहां पर डेडपूल जो है लोगन की कब्र पे बैठा हुआ है एंड उसके कंकाल को निकालता है एंड वो कंकाल पूरे लोखंड का है एंड जिस तरह से वो लोखंड के कंकाल, चाहे वो उसकी हड्डियां हो, चाहे उसकी खोपड़ी हो, चाहे उसकी रिब्स की हड्डियां हो, उसको लेके विलन को जो घोपता है, बाप सीन। लेकिन पूरी फिल्म में मेरा सबसे फेवरेट किरदार है डॉग पूल, वो छोटा कुतवा इतना मस्त है, कुत्ता इतना टेस्टी है, टेस्टी क्या बोल रहे हो भाई, टेस्टी इसलिए क्योंकि वो पूरे फिल्म में सबको चाटता रहता है, यहाँ पर इतना क्यूट है वो, इतना मजेदार है गाइस, मजा आ जाएगा। एंड गाइस यहाँ पर बहुत सारे पूल्स है इस पिक्चर में एंड डेडपूल की पूरी जो पूरे के पूरे गांव वाले सब आ जाते हैं, कोई कनाडा से डेडपूल आता है, कोई दूसरे मुल्क से डेडपूल आता है, वो वाला सीक्वेंस टॉप क्लास है। बट इट्स ह्यूज एक्टमैन पॉप, मतलब सारा जब क्लाइमैक्स में उसका शर्ट फटता है ना, उसके एब्स दिखते हैं, लिटरली बोल रहा हूँ मजा आ गया, पूरा का पूरा पैसा वसूल है। बट इट इज द कैमियो ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट एवेंजर्स लिटरली एंड डेडपूल कहता भी है, बहुत सारे फन रेफरेंसेज है, चाहे वो फॉक्स को लेकर हो या 20th century को लेकर हो, यू नो, या फिर मार्वल या MCU को लेकर हो, डेडपूल कहता है अच्छा हुआ ये चला गया, इसका बजट भी प्रोड्यूसर के पास खत्म होते यार, इसके एक एक मिनट हमारा बजट जो इंक्रीज कर रहा था। चलिए इसका एपिसोड शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि फिल्म किस तरह से रहती है। डिज्नी ने फॉक्स को गोद ले लिया, ये डायलॉग से फिल्म की जो शुरुआत होती है एंड मार्वल का म्यूजिक सुन के मजा आ जाता है। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस तरह से पहला सीक्वेंस शुरू होता है जहां पर लोगन की खोज में डेडपूल जाता है, वो बहुत ही ब्रिलियंट है। डायलॉग से जैसे चमन, ये आंडू, ये सब यूज किया गया, पिक्चर फुल ऑन गाली है गाइस यहाँ पर। एंड किस तरह से यहाँ पर पहले फाइट सीक्वेंस के बाद हमें टाइमलाइन वेरिएंट्स जो है उसके बारे में बताया जाता है, सेक्रेट टाइमलाइन रहती है। यहाँ पर डेडपूल को दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर एक एवेंजर बनना चाहता है एंड उसके बाद कट टू यहाँ पर कहानी जो है यहाँ पर प्रेजेंट में जो है यहाँ पर आ जाती है।
सो गाइज यहाँ पर आप सभी लोग जितने भी एमसीयू के फैंस उनको पता है कि एग्जैक्टली ये टीवी क्या होता है ना कि टाइम वेरिएंट जो रहता है। तो गाइज अब यहाँ पर फिल्म की कहानी इस तरह से है कि डेडपूल जो है यहाँ मिलता है ह्यू जैकमैन से यानी कि लोगन के साथ जो कि सबसे खराब वेरिएंट जो है लोगन का। एंड अब इन लोग जो है यहाँ पर एमा कॉरिन जो इस फिल्म की विलन है यहाँ पर जिस फिल्म में इसका नाम रखा है टकली गंजी उसकी दुनिया में चले जाते हैं गाइस टीवीए के द्वारा। एंड वहां पे एंटमैन का 3D मॉडल रहता है सो खुलते सब लोग उसके अंदर जाते हैं। एंड वहां पे किस तरह से वहां पे उनकी भिड़न होती है वहां पे एक बहुत बड़ा एवेंजर्स उनसे मिलता है। एंड वहां क्या गड़बड़ घोटाला होती है इसके कारण वापस से वो कुछ एक्समैन है जिनसे वो गाइस पास्ट में से यूनाइट होते हैं एंड फिल्म की कहानी को जो है यहां पर आगे बढ़ाते हैं। बस इतना आपको बताऊंगा, मुझे पता है इसमें भी लोग बोलेंगे बहुत स्पॉइलर दे दिया, अब इतना नहीं बताऊंगा तो बेसिक प्लॉट जो है वो क्या समझेगा आप लोगों को। तो गाइस फैंटास्टिक फोर आपको देखनी है, एक्समैन की पिछली फिल्म है आपको देखनी है, वुल्वरीन के बारे में उसके पास्ट के बारे में जानना जरूरी है, डेडपूल की जितनी भी फिल्में हैं वो देखना आप सभी लोगों के जरूरी है। बात करूंगा इस पोस्ट इंटरवल एक्शन सीक्वेंसेस पागल है, फिल्म की विलन जो है गंजी लड़की बहुत ही स्ट्रांग है बहुत ही मेनेसिंग है, उसका एंड थोड़ा अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर दिखा सकते थे लेकिन गाइस कैमियोज आर क्रेजी। एक्समैन के रेफरेंसेस स्पेशली डॉग पूल बहुत ही ब्रिलियंट है गाइस यहाँ पर। एंड जितने भी सीक्वेंसेस एक्शन उसके पीछे जो म्यूजिक सीक्वेंसेस है यानी कि BGM जो है लगाया गया है वो एक से एक फिल्म के मूड को जो है अलग लेवल पर एलिवेट करता है। फिल्म में उतना VFX नहीं है लेकिन गाइस CGI बहुत अच्छी तरीके से यूज किया गया है, एक्शन सेट पीसेस बहुत ही फाड़ है। द स्टैंड आउट सीक्वेंसेस इज इन द कार, एक कार में डेडपूल एंड लोगन के बीच में वुल्वरिन के बीच में एक्शन सीक्वेंस बाप लेवल का है, खून की नदियां हैं खून की बरसाते हैं, सेल्फ रिपेयर दोनों का है तो गाइस किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत मजा आता है। एंड उसके बाद किस तरह से क्लाइमैक्स में फाइट सीक्वेंस है जिससे डेडपूल है उससे यहाँ पर वुल्वरिन एंड डेडपूल जो ओरिजिनल वाला है वो लड़ते हैं, एक और नाइस डेडपूल है इस फिल्म में जो कि फिल्म में और चार चांद लगा देता है, गालियों के पूर्ण तरीके से बरसाते गाइस यहाँ पर कि किया ने कभी चूतियापा नहीं किया वो वाला। टाइम वेयर अथॉरिटी जो है उसका जो हेड दिखाया गया वो काफी बेवकूफ दिखाया है, वो काफी अच्छी एक्टिंग किया पिक्चर में। डेडपूल कहता है कि मार्वल के अच्छे दिन आ गए चूसले फॉक्स, काफी मजेदार है। आउटस्टैंडिंग सीक्वेंस ऑफ दिस फिल्म इज द टेलर, जो टेलर डेडपूल का सूट सीता है, डेडपूल को कहता है टेलर सूट मस्त सीता है, गोटा टाइट कर दिया उसने। फुल कॉमेडी है, एडल्ट फिल्म है, डायलॉग्स काफी अच्छे हैं, हिंदी डबिंग में लोग काफी मजेदार लगे। एंड इतना पंजा नुन्नू की साइज का हो गया, केला किशमिश, ये डायलॉग्स बहुत अच्छे है गाइस, यहाँ पर मजा आ जाता है। अबे तेरे को मार डालूंगा, तेरे मुंडे का टुंडे का बना दूंगा, एक्शन बहुत ही जबरदस्त है। वुल्वरीन का एक फाइट सीक्वेंस है ओके, तो लोकी देख के जाना, मल्टीवर्स क्या है वो समझ लेना, टाइमलाइंस क्या होते हैं वो समझ लेना, एंड डेडपूल क्या है वो समझ लोगे तब जाके फिल्म आपके लिए परफेक्ट बन जाएगी। जब मैं इसके एंड क्रेडिट्स देख रहा था तो 3D कन्वर्जन आर्टिस्ट जो थे, पेंट आर्टिस्ट जो थे, वो सारे के सारे इंडियन टेक्नीशियंस थे, यानी कि इस फिल्म को बनाने में इंडियंस का ही बहुत ज्यादा योगदान है। और गाइस यहाँ पर डेडपूल एंड वुल्वरीन एक बहुत ही पैसा वसूल एक्सपीरियंस है, अगर आप एक MCU फैन हो, अगर आपने एक्समैन फैंटास्टिक फोर ये सारी की सारी फिल्में देखी है, आपको अगर कैरेक्टर समझते हैं क्योंकि एज कैमियोज यहाँ पे इस फिल्म में आते हैं, अब मेरे बाजू वाला तो मतलब उसको कुछ पल्ला ही नहीं पड़ रहा था, बोलते ये वो आ गई है, ये वो है ना, हाँ ये वो है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब उसके डेडपूल जो है यहाँ पर उनका नाम बताता है, खुद नाम बताते हैं, तब जाके उनको जो है पता चलता है कि एग्जैक्टली वो कहाँ है। लेकिन अगर आपको पता है कि वो रेफरेंसेस कौन है कौन ये है तो आपको बहुत मजा आएगा। एक कैरेक्टर को देख के बोलता है ये तो वांडा है, गुड एक्सपीरियंस, गो एंड वॉच इट ऑन द बिग स्क्रीन, स्पेशली राइन रेनल्ड्स बाप लेवल का काम किया, बहुत अच्छा काम किया बंदे ने, एक्टिंग वाइज एंड एक्शन वाइज सुपर्ब है। ह्यू जैकमैन ने जान डाल दी स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, उसकी बॉडी वॉडी खतरनाक है, डॉग पूल ब्रिलियंट है, टकली विलन जो है बहुत ही क्रेजी दिखाया है इस फिल्म में, पूरा मुंह के अंदर हाथ वाथ डाल देती है, यहाँ से हाथ वाथ निकाल देती है। जिस एवेंजर का कैमियो है उसका एंड क्रेडिट सीन है, बहुत मजा आएगा देख के, जाओ पैसा वसूल करो एंड एंजॉय द मूवी। लेकिन ये सारे की सारी फिल्में देखकर जाना तभी समझ में आएगा, वरना एवरेज है, उतना मजा नहीं आया, ये सब चोरी करोगे आके वो फिर तुम लोग बेवकूफ कहलाए जाओगे। एज ऑलवेज से स्टे कूल मान।